मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता पापा, मुझे नहीं समझ आती है डॉक्टरी। अगर बन भी गया तो बहुत खराब डॉक्टर बनूंगा, शायद मेरे हाथों से किसी का ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझसे किसी का खून, किसी की बॉडी को देखा ही नहीं जाता है। कृष्णा हमेशा कहता है कि जो काम करने में मजा आए, जिसमें मन लगे, जो काम करने का दिल कहे वही काम करना चाहिए, उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। पापा इससे एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, मगर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मैं खुश रहूँगा। डॉक्टर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, फिर जिंदगी भर आपको और खुद को कोसता रहूँगा। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ पापा, मुझे एक्टर बनना है, टीवी में आके आपको लव यू डैड बोलना चाहता हूँ। एक्टिंग मेरी जान है पापा, अगर मैं डॉक्टर बना तो ये जान मेरी निकल जाएगी, और बिना जान के कोई रह नहीं पाता है। बस यही सब सोच सोच के मैं अपनी लाइफ में उलझता जा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अब तो मुझे अकेलापन सा महसूस होने लगा है, कभी कभी मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आपका बेटा कभी सुसाइड नहीं करेगा पापा, आपका बेटा एकदम खरा हीरा है जो आपका नाम रोशन करेगा, कभी मिट्टी में नहीं मिलाएगा। लेकिन पापा फिर आप ही बताओ, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। ओके पापा, मैं पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डिग्री रहेगी। अगर मेरा एक्टिंग में करियर नहीं बन पाया तो मैं एक छोटा सा क्लिनिक खोलूँगा, मगर आपको कभी बुढ़ापे में कमाने नहीं दूंगा। पापा डॉक्टर की पढ़ाई के बाद मैं मुंबई जाऊंगा और वहां जाके ऑडिशन वगैरह दूंगा, मुझ में जुनून है और एक्टर बनने के गुण भी, मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे आर्ट के टीचर कहते हैं। टीचर कहते हैं कि मैं एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करता। पापा अब तो आप खुश है ना कि आपका राजा बेटा एक्टिंग में भी ट्राई करेगा और डॉक्टर की पढ़ाई भी करेगा। बोलिए ना पापा, माँ भी बहुत खुश होगी, वो हमेशा कहती कि मैं उनका हीरो बेटा हूँ।